वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ये हाइड्रोलिक सिस्टम का पार्ट्स है। अब ये एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये एनर्जी को कलेक्ट करने का काम करता है। हाइड्रोलिक का मतलब द्रवी, मतलब द्रव के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको ये स्टोर करता है, स्टोर या संग्रह करने का काम करता है। तो अब इसमें बात करते हैं कि ये क्यों, क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इस पर क्या होता है कि एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर लगा हुआ होता है जो फिक्स होता है, ये मूव नहीं करेगा। फिर इसके बाद इस पर एक स्लाइडिंग रैम लगी होती है, या इसी को बोलते हैं प्लंजर। प्लंजर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लंजर, प्लंजर का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाना। तो ये स्लाइडिंग रैम जो है अप एंड डाउन का काम करती है, जो जिसे हम प्लंजर भी बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वेट रखा हुआ, ये हमारी क्या है, टेबल है, जिस पर जिसके ऊपर हम, टेबल या प्लेटफार्म है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि वेट को रखते हैं। तो वेट को रखने के बाद फिर ऊपर उठाते हैं, तो ये हमारी टेबल हो गई। फिर इसके बाद इनलेट फ्रॉम पंप, यहाँ से हमारा फ्लूड अंदर जाता है, ये है हमारा आउटलेट। यहाँ से हमारा जो भी फ्लूड जाएगा तो वो किसी मशीनिंग पार्ट्स में जाएगा, मशीन से, दूसरी मशीन से कनेक्ट होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का वर्क क्या होता है और ये सारे कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, एनर्जी का स्टोर करते हैं। जो भी हमारी फ्लूड की या लिक्विड की जो भी एनर्जी होती है उसको हम स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं अंडर प्रेशर एनर्जी के द्वारा। मतलब पानी में जब पानी आएगा तो पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। या तो प्रेशर एनर्जी के द्वारा हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी एनर्जी है सिस्टम पे द्रव की, तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद अब इस एनर्जी का हम करते क्या है, तो जब हमें कहीं पर भी अचानक रिक्वायरमेंट हो जाती है, जब हमें कहीं पर भी अचानक रिक्वायरमेंट हो जाती है तो हमारे एक्यूमुलेटर में जो अवेलेबल एनर्जी होती है उसी का हम यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हाइड्रोलिक क्रेन, एग्जांपल हाइड्रोलिक क्रेन आर लिफ्ट, तो ये है। तो जब इनमें हम क्या करते हैं कि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सडन, हमें अचानक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटर के थ्रू हम एनर्जी को यूज कर लेते हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक क्रेन और हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो जब ये हाइड्रोलिक क्रेन और हाइड्रोलिक लिफ्ट को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है, तो ऊपर की दिशा में जाना होता है, तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें पता है कि एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि एनर्जी का स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर के द्वारा एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो हमें जब हाइड्रोलिक क्रेन या लिफ्ट को हमें बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना होता है तो हम इसमें हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में जो भी एनर्जी स्टोर होती है और इसी अवेलेबल एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक क्रेन या लिफ्ट को ऊपर उठाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि क्या मतलब जब ऊपर उठाने के लिए, तो जब यहाँ से जब ये हमारी क्रेन ऊपर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुँच गई और इस स्टोर एनर्जी का यूज कर लिया, तो जब हम क्रेन हमारी नीचे आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आएगी, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हमारी क्रेन आती है तब उसमें क्या होता है कि हमें किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस टाइम पर। उस समय हमें किसी भी बाहरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जब डाउनवर्ड में मूव करते हुए आएगा तो ये जो हमारी एक्यूमुलेटर में जो एनर्जी होती है तो वही एनर्जी का यूज करके हमारी क्रेन मशीन नीचे आ जाती है या लिफ्ट हमारी नीचे आ जाती है, क्योंकि हमें किसी भी बाह्य स्रोत से एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस टाइम पर नहीं होती है, क्योंकि एक्यूमुलेटर में इतनी एनर्जी स्टोर होती है कि उस एनर्जी, वही एनर्जी को यूज करके हम नीचे आ जाते हैं। तो अब जब नीचे आ गए तो अब इस पर हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट फंक्शन कैसे कार्य करते हैं, या हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जब हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एनर्जी को अचानक से रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें एनर्जी को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होती है तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटर में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि हम जब
हाइड्रोलिक क्रेन या हाइड्रोलिक लिफ्ट मशीन को अप डाउन करने अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं, तो हम इसी एक्यूमुलेटर की अवेलेबल एनर्जी का ही यूज करते हैं। इसी की अवेलेबल एनर्जी को यूज करके हम इसको मैक्सिमम ऊंचाई तक जहाँ तक हमें वर्क करना होता है कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हमें जब इसको हमारे क्रेन या लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना होता है, तो यहाँ पर उस टाइम हमें कोई भी बाहरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब बाहरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे एक्यूमुलेटर में इतनी एनर्जी स्टोर है कि वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने मास में देखा होगा कि ये जो स्प्रिंग होती है तो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है, तो ये भी अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जैसे आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया या बल लगाया या कोई भी वेट लटकाया, तो स्प्रिंग में टेंशन फोर्स प्रोवाइड हो जाता है, स्प्रिंग खींच जाती है। और जैसे ही आपने फोर्स को हटा दिया तो क्या होता है कि स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने लगती है। तो ये क्या हुआ कि स्प्रिंग में भी ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट के होता है, तो ये हमारा क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो सेम काम इस पे भी वही रूल लागू होता है। अब बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट या इसका इसके फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है, तो इस पे एक क्या है फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर लगा हुआ है, और ये फिक्स वर्टिकल सिलेंडर कहीं पर भी मूव नहीं करता है, अपनी जगह पर ही फिक्स रहता है। और इसी से एक हमारा क्या लगा हुआ है स्लाइडिंग रैम, जिसे हम प्लंजर बोलते हैं, ये भी लगा हुआ है, इसी से कनेक्ट है। और इसी के ऊपर एक टेबल, स्लाइडिंग रैम या प्लंजर के ऊपर हमारी एक टेबल, या इसे हम प्लेटफार्म भी बोल सकते हैं, आज प्लेटफार्म रखा हुआ है। ये प्लेटफार्म क्यों रखा जाता है? प्लेटफार्म इसलिए रखा जाता है कि हम आसानी से भारी वस्तु के को इस पर रख सकें, टिका सकें, तो इसलिए हमारा ये प्लेटफार्म लगा हुआ है, रखा हुआ है। तो प्लेटफार्म के ऊपर हम क्या करेंगे, हैवी वेट को रख देंगे। रखने के बाद फिर इसमें एक लगा हुआ इनलेट फ्रॉम द पंप। अब इस पंप के द्वारा हमें क्या करना होता है कि यहाँ से द्रव यहाँ से अंदर प्रवेश करता है, लिक्विड हमारा यहाँ से अंदर प्रवेश करता है। तो जब लिक्विड हमारा यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा तब क्या होगा, जब लिक्विड हमारा यहाँ से प्रवेश करेगा तो ये पंप के थ्रू ये प्रवेश करता है कंटिन्यूसली, यहाँ से पानी जाता रहता है। तो जब पानी जाता रहता है तो इस ये भी पानी जो जाएगा तो एक अंडर प्रेशर के अंदर जाएगा, मतलब किसी दाब के साथ जाएगा पानी, कहाँ पर, सिलेंडर पर किसी दाब के साथ पानी जाएगा। फिर इसके बाद हमारे दूसरे सिलेंडर में क्या है, आउटलेट लगा हुआ है इधर, तो ये जो आउटलेट है तो ये आउटलेट मशीन किसी दूसरी मशीन से कनेक्ट है, आउटलेट का जो सिलेंडर है ये किसी दूसरी मशीन से कनेक्ट होता है। तो जब ये दूसरी मशीन से कनेक्ट होता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से हमारा फ्लूइड निकल गया, जो भी मशीन कनेक्ट हो उसको उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो जब यहाँ तक हम आ चुके हैं तो ये था हमारा क्या फंक्शन था। अब इसमें हमें क्या करना है कि अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो जब ये वर्किंग में आता है तो रैम इस समय हमारा मान लिया कि इनिशियल पोजीशन पर, लोअर मोस्ट पोजीशन पर है, तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर है। तो जब लोअर मोस्ट पोजीशन पर है और इसको हमें क्या करना है, अपर टॉप मोस्ट पोजीशन, ये इसका टॉप पोजीशन है कि इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता। जैसे कि आपने क्रेन देखा होगा तो क्रेन मशीन हमारी कुछ 3 बूम की होती हैं, कुछ पाँच बूम की होती हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही हम बूम को ओपन करते चले जाते हैं। तो जब बूम को हम ओपन करते चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर होती है एक्यूमुलेटर में, तो उसी से एनर्जी हमारी अवेलेबल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से पानी हमारा आया तो रैम इस समय इनिशियल पोजीशन पर है, लोअर मोस्ट पोजीशन पर है, और पानी हमारा यहाँ पर आया तो इनिशियल पोजीशन से इसने चलना शुरू किया, इसको इनिशियल पोजीशन से आगे जाना है। तो पंप के द्वारा हम क्या करेंगे, पानी को प्रवाहित करेंगे, पानी का फ्लो कराएंगे। तो पंप के द्वारा हम पानी का फ्लो कराएंगे, वो भी कंटिन्यूस लगातार पानी का फ्लो होता रहेगा, लेकिन ये पानी जो होगा किसी प्रेशर के साथ फ्लो होगा। तो जब ये पानी किसी प्रेशर के साथ फ्लो होगा तो ये पानी इतना रिक्वायर, पानी में जो प्रेशर है वो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस स्लाइडिंग रैम को ऊपर उठा सके, ऊपर उठाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे सिलेंडर हैं,
सिलेंडर लगे हुए हैं, तो सिलेंडर में जो एनर्जी स्टोर होती है, जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर एनर्जी स्टोर होती है तो वो वर्क करती है। मतलब कंटिन्यूस पानी हमारा यहाँ पर आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स पानी के बार बार टकरा रहे हैं आपस में, तो उनसे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो गतिज ऊर्जा हमारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर सिलेंडर के थ्रू क्या होगा कि ये हमारे जो स्लाइडिंग रैम लगा हुआ है तो ये ऊपर आने लगेगा। तो ये ऊपर जब इनिशियल पोजीशन पे है, पानी हमारा आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि पानी हमारा कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है अंडर प्रेशर, वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस रैम को ऊपर उठा ले। लेकिन ये जो सिलेंडर के पास है पानी हमारा यहाँ से आया, इस तरह से पानी हमारा आ गया, तो ये पानी तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये पानी के द्वारा हम रैम को ऊपर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये जो सिलेंडर के पास पानी भरा हुआ है, स्टोर वाटर है, तो यहाँ से जब हम पानी यहाँ आएगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स सिलेंडर के पास जो पानी है, इतने एरिया में जो पानी भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, तो इस पर प्रेशर देंगे। तो जब इस पर प्रेशर देंगे मतलब यहाँ पर प्रेशर एनर्जी को स्टोर है पहले से कुछ, फिर आपका पानी, आपने नया पानी का फ्लो कराया, तो फ्लो कराने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये मालिक यहाँ पर द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जब यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स में है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग रैम को ऊपर उठाने की का कार्य करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पीक पोजीशन मतलब टॉप मोस्ट पोर्शन पर रैम हमारी पहुंच जाएगी। अब रैम को नीचे आने के लिए क्या होगा, तो एक्यूमुलेटर के द्वारा इतनी एनर्जी हमारी स्टोर हो चुकी है, कि हमें क्या करना है कि ये बाहरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये धीमे धीमे हमारी खुद अपनी स्टार्टिंग पोजीशन या लोअर मोस्ट पोर्शन पर हमारी स्लाइडिंग रैम आ जाएगी। तो ये अब इसमें देखते हैं कि कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है। तो अब इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ये तो हमारा रैम है, तो रैम का एरिया ए होगा, क्योंकि रैम है तो रैम का एरिया ए है कैपिटल ए। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी भी लगेगी, दाब तीव्रता, ये हमारी दाब तीव्रता लग रही है। फिर इसके बाद रैम, स्लाइडिंग रैम जो है तो इसकी लंबाई भी कुछ होगी, ये इस तरह से यल, ये हमारी लंबाई होगी। तो स्लाइडिंग रैम की लंबाई भी होगी क्योंकि लिफ्ट को ऊपर अप एंड डाउन होना है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये वेट है तो यहाँ पर कुछ W भी लगेगा, वेट बाहर इसका, तो हमने W से इंडिकेट कर दिया। तो और इसका एरिया भी होगा, एरिया ये है, लंबाई ये है, तो इसका वॉल्यूम भी तो हो जाएगा, V इक्वल टू A इंटू L, तो एरिया इंटू लंबाई, वॉल्यूम हमारा इसका आयतन हो गया। तो अब इसकी देखते हैं क्षमता क्या होती है, तो अब इसकी क्षमता की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक मैक्सिमम एनर्जी होती है जिसको एक्यूमुलेटर के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोर्ड इन
एक्यूमुलेटर। तो अब बात करते हैं कि मतलब ये क्या है कि अधिकतम अमाउंट में ये जो हमारी एनर्जी है तो इसको हाइड्रोलिक एनर्जी को ये एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेगी। तो अब इसमें बात करते हैं कि ये कैपिटल ले क्या था हमारा, एरिया ऑफ द स्लाइडिंग रैम, एरिया ऑफ द स्लाइडिंग रैम। फिर इसके बाद यल क्या था, लिफ्ट ऑफ द रैम, रैम को ऊपर अप एंड डाउन कराने के लिए जो लंबाई थी लिफ्ट ऑफ द रैम। पी क्या था, इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर सप्लाई बाई पंप। तो अब इतना हमने कर लिया, तो अब हमें इसमें करना क्या है, सप्लाई बाई पंप। तो अब बात करते हैं इसका वेट क्या होगा, वेट प्लेस्ड ऑन द रैम। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया ऑफ रैम। P इक्वल टू F अपन A होता है, तो F इक्वल टू P इंटू A। तो वही ये F इक्वल टू W हो जाएगा, तो W इक्वल टू पी इंटू ए। अब इसमें वर्क डन होगा, कितना कार्य हमारे रैम ने किया ऊपर उठने में, तो वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम W इंटू लिफ्ट ऑफ रैम। तो कितना हो जाएगा, W इंटू यल, कितना ऊपर गया, तो रैम की लंबाई हमारी यल इक्वल टू लिफ्ट ऑफ द रैम आए। तो अब इसके बाद वर्क डन, तो W की जगह हम क्या रख सकते हैं, P इंटू ए इंटू यल। तो ये क्या कि ये हमारा आ गया P इंटू ए इंटू यल। अब कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर, कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इक्वल टू वर्क डन लिफ्टिंग द रैम। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू यल। तो अब ए यल की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए इंटू यल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर। तो कितना हो जाएगा, पी इंटू वी। तो ये हमारा कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर के द्वारा एनर्जी को स्टोर करते हैं।